हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं आपके बीच आ गया एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, जबलपुर से मथुरा के बीच समर स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है, जो कि जबलपुर से मथुरा और मथुरा से जबलपुर के बीच 15-15 ट्रिप लगाएगी, जो सप्ताह में एक दिन चलाई जाएगी। जिसमें यह ट्रेन जबलपुर से प्रत्येक गुरुवार को 02:12 बन के शाम 4:25 पर निकलेगी और नैनपुर शाम 7:14 पर पहुँचेगी, जहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज होगा। और 7:19 पर यह नैनपुर से निकलेगी और बालाघाट जंक्शन रात 8:45 पर पहुँचेगी, जहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकने के बाद 8:47 पर यह ट्रेन बालाघाट से निकलेगी और रात 9:30 पर यह ट्रेन गोंदिया पहुँचेगी, जहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। फिर यह ट्रेन नागभीड़ होते हुए पल्लारसा रात 2:10 पर पहुँचेगी, जहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकने के बाद 2:15 पर पल्लारसा से निकलेगी और विजयवाड़ा सुबह 9:10 पर पहुँचेगी, जहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकने के बाद 9:20 पर यह ट्रेन विजयवाड़ा से निकलेगी। और फिर चेन्नई शाम 4:25 पर पहुँचेगी, जहाँ पर लगभग यह 25 मिनट रुकने के बाद शाम 4:50 पर यह ट्रेन चेन्नई एग्मोर से निकलेगी। और फिर रात 9:55 पर यह ट्रेन तिरुचिरापल्ले पहुँचेगी, जहाँ पर इस ट्रेन का लगभग 5 मिनट का स्टॉपेज होगा। और रात 10 बजे यह ट्रेन तिरुचिरापल्ले से निकलेगी और रात 12:15 पर यह ट्रेन मदुरई जंक्शन पहुँचेगी, जो कि इस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज होगा, जिसमें यह ट्रेन जबलपुर से मदुरई तक लगभग 13 स्टॉपेज रुकते हुए 1872 किलोमीटर की दूरी 31:50 में तय करेगी। और फिर यह ट्रेन वापसी में मदुरई से शनिवार के दिन रात 11:35 पर होगी और तिरुचिरापल्ली रात 2:05 पर पहुँचेगी, जहाँ पर इस ट्रेन का लगभग 5 मिनट का स्टॉपेज होगा। और रात 2:10 पर यह ट्रेन तिरुचिरापल्ली से निकलेगी और फिर सुबह यह ट्रेन 7:10 पर चेन्नई एग्मोर पहुँचेगी, जहाँ पर ट्रेन लगभग 25 मिनट रुकने के बाद 7:35 पर यह ट्रेन चेन्नई एग्मोर से निकलेगी और विजयवाड़ा दोपहर 2:40 पर पहुँचेगी, जहाँ पर इस ट्रेन का लगभग 10 मिनट का स्टॉपेज होगा। और 2:50 पर यह ट्रेन विजयवाड़ा से निकलेगी और रात 10:10 पर यह ट्रेन पल्लारसा पहुँचेगी, जहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकने के बाद 10:15 पर यह ट्रेन पल्लारसा से निकलेगी और नागभीड़ होते हुए गोंदिया रात 2 बजे पहुँचेगी, जहाँ पर इस ट्रेन का लगभग 10 मिनट का स्टॉपेज होगा। और 2:10 पर यह ट्रेन गोंदिया से निकलेगी, बालाघाट रात 2:43 पर पहुँचेगी, जहाँ पर इस ट्रेन का लगभग 2 मिनट का स्टॉपेज होगा। और 2:45 पर यह ट्रेन बालाघाट जंक्शन से निकलेगी और नैनपुर 4:05 पर पहुँचेगी, जहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकने के बाद 4:10 पर नैनपुर से निकलेगी और सुबह 7:15 पर अपने अंतिम स्टॉपेज जबलपुर जंक्शन पहुँचेगी, जिसमें यह ट्रेन मदुरई से लेकर जबलपुर तक कुल 1872 किलोमीटर की दूरी 32:15 में तय करेगी। जिसमें यह ट्रेन मदुरई से शनिवार रात 11:35 पर चलेगी और जबलपुर सोमवार सुबह 7:15 पर पहुँचेगी, जिसमें इस ट्रेन की शुरुआत 18 अप्रैल 2024 को जबलपुर से शुरू कर दी गई है, जो 15 ट्रिप लेते हुए हर गुरुवार को यह ट्रेन जबलपुर जंक्शन से होगी, जो कि 26 जुलाई 2024 तक चलाई जाएगी। इसी तरह यह ट्रेन हर शनिवार मदुरई से चलाई जाएगी, जिसमें यह ट्रेन 20 अप्रैल 2024 को मदुरई जंक्शन से शुरू होगी और 27 जुलाई 2024 तक मदुरई से जबलपुर के बीच चलाई जाएगी, जिसमें 2 SLR कोचेस, 2 जनरल, 5 स्लीपर और 11 इकोनॉमी कोचेस और 2 AC 2 टीयर के कोचेस होंगे। इस तरह इस ट्रेन में कुल 22 कोचेस होंगे। अगर इस ट्रेन का रिस्पांस अच्छा रहा तो इसे आगे कंटिन्यू भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।